यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आयुष और गाइस आज हम दोबारा से खेल रहे हैं गैंगस्टर वेगस वर्ल्ड ऑफ क्राइम। एंड गाइस यहां पर आप देख सकते हैं कि जो है आज मैंने जो है इक्विप कर रखा है गाइस एक नया एक्सोस्केलेटन जिसका नाम है हारबिंजर। तो या ये वॉइड से आया हुआ एक बंदा, और गाइस लिटरली ये वाली कॉस्ट्यूम और ये वाला आर्मर जो है ना इतना पावरफुल है ना कि किसी की बुलेट इतना ज़्यादा कम डैमेज कर दिया ना, मतलब आप गाइस सोच भी नहीं सकते, मतलब कोई असर ही नहीं होता है एकदम से जो है बुलेट का। हाँ, मिसाइल्स के खिलाफ ये थोड़ा बहुत जो है कमज़ोर है, लेकिन गाइस अगर इस आर्मर पर किसी ने बुलेट चलाया ना लिटरली वो इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और गाइस ये है इसकी बाइक जिसका नाम है वार राइडर, और इसकी स्पेशल एबिलिटी करेक्टर भी यही है साथ जो है वो वाली जो SMG है ना वो भी वॉइड की पूरी लुक वाली है, मतलब पूरा वॉइड के इफेक्ट्स हैं उसमें। और आप इस बाइक में भी देख सकते हो गाइस क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं गाइस, लिटरली ये बाइक बहुत ज़्यादा OP है और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मस्त ये बाइक लग रही है। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं आज ना गाइस हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं, आज हम देखने वाले कि क्या हारबिंजर कितना ज़्यादा बढ़िया है, और साथ ही साथ में गाइस जैसे बाइक है ना इसका जो है हम वो करने वाले हैं। तो जी हाँ गाइस वो भी एक चीज़ है। एंड गाइस चौथी बात जो मैं आपको बताऊंगा ना गाइस वो ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि गाइस जो ये बाइक है ना ये पानी पे भी चल सकती है, तो या ये एक तरीके से पूरी वाइड की वो है। एंड गाइस मतलब वाइड की बाइक है और ऊपर से आप देख सकते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब पूरे स्टार वॉर्स रेबल्स जो है ना उसके वाले वो फीलिंग आ रही है गाइस मेरे को, जिसमें कोई स्टार वॉर रेबल्स खेल रहा हूँ लिटरली। गाइस ये गेम बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड गाइस यहाँ पे फोटो सब बच के रहना चाहिए गाइस पुलिस वाले, नहीं तो अगर हल्की से भी खरोच आ गए तो वो लोग पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ जाते हैं। एंड गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जंप भी कितनी मस्त लगा रही है बाइक, और ऊपर से इसको डैमेज भी कुछ नहीं हो रहा है। एंड गाइस साथ ही साथ जो है आप यहाँ पे देख सकते हो क्या मस्त वाली जो है मैं यहाँ पे जंप पे मार रहा हूँ, और वापस से नहीं काम करता है लैंड में चलते हैं। और जैसे कि ये बाइक जब ज़मीन और पानी दोनों पे चलते हो, ऊपर से आप देख सकते हैं ये इसके जो टायर्स हैं और जो ये बाइक है ना ज़मीन पे कभी भी जो है मतलब तभी स्टैंड करती है जब जो है हम इससे उतर जाते हैं, नहीं तो ये मतलब ग्रेविटी इनके हिसाब से चलती है। ग्रेविटी इसके इस बाइक के लिए मायने नहीं रखती, ये एंटी आप ये भी कह सकते हैं कोई एंटी ग्रेविटी बाइक है या ये भी सही है गाइस। और गाइस जो आप देख सकते हो क्या बढ़िया वाला है यहाँ पे जंप मारती है, एंड यहाँ पे ये वाली जंप भी मारी और थोड़ा फास्ट जो है छूट गया क्योंकि मैंने ज़्यादा बड़ा रन अप नहीं लिया, बस मैंने छोटा सा रन अप लिया तब भी वो जो है कम से कम 1 वेयर हाउस को जो है पार करके चले गई। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाइक कितनी ज़्यादा OP लग रही है और कितना मस्त लग रहा है हमारा प्लेयर, और साथ ही साथ जब ये ज़मीन से ऊपर ये बाइक चल रही है ना तो लिटरली बंदे भी सोच रहे होंगे जो NPCs होंगे ना गेम में कि जो ये कैसा बंदा है, इसके पास ऐसी बाइक कहाँ से आ गई जो ज़मीन पानी दोनों पे चल रही है और ऊपर से हवा में। सो या गाइस, और यहाँ पे गाइस एक रेयर व्हीकल स्पॉन हुई जो है कैटरीना कार, ये मेरे पास ऑलरेडी खुद की है वो भी Level 3 की, तो मैं नहीं चुराने वाला हूँ। ऊपर से अभी गाइस हम रिव्यू कर रहे हैं कैटरीना बाइक का, सिर्फ हारबिंजर और ये जो वार्प राइडर है इसका। और गाइस अभी हम बाद में थोड़े देर इस बाइक इस प्लेयर की जो गन है ना गाइस उनको भी टेस्ट करेंगे, और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो और टेस्ट करेंगे ना गाइस हम बैनी के जो मतलब बैनी नहीं गाइस जो फ्रैंक है ना इस सिटी का बहुत बड़ा माफिया उसके जो सैनिक है ना मतलब उसके जो गार्ड्स जो पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं उन पर ट्राई करेंगे गाइस। सो या यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं इसके इफेक्ट्स बड़े ही मस्त डाल रखे हैं गाइस लिटरली गेम वालों ने, ये बाइक काफ़ी ज़्यादा मस्त है, स्पीड भी काफ़ी अच्छी है गाइस 250 किलोमीटर्स को पार है। एंड यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं अब बस गाइस अब पहले ना यहाँ पर थोड़ी बहुत फाइट करते हैं और पहले तो अपनी बाइक को यहाँ पर खड़ा करते हैं। और गाइस यहाँ पे एक नया स्ट्रीट क्रेड इवेंट आया जिसमें ना हमें ये लीजन नाम का एक वो मिल रहा है जो एक फ्रीडम फाइटर है। सो या गाइस ये एक्सोस्केलेटन भी बड़ा कूल है, सुपर कूल लेवल की गाइस, इसके पास तो ग्रेनेड लॉन्चर या कुछ मिसाइल लॉन्चर जैसा होता है अपने एक हाथ में, और अनलिमिटेड एमओ है गाइस गन के पास, जैसे हारबिंजर के पास जो है अनलिमिटेड एमओ वाली SMG है। एंड गाइस अब आप देख सकते हैं ये मतलब कि ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा रहा गाइस ये किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो ट्रक वाला इतनी जल्दी बेचारा गया। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी हमारी बाइक के वो इफेक्ट्स कितने कूल लग रहे हैं, बुगाटी वाले को देख रहे हैं गाइस आप कितने ज़्यादा OP स्पीड में चला रहा है। एंड गाइस बट भले ही इन गनों में जो है ना एक चीज़ हो कि जो है इनके पास अनलिमिटेड रैम हो, लेकिन जो एक्सोस्केलेटन्स होते हैं उनके जो ये होते हैं ना गाइस गन्स इनके अनलिमिटेड रैम होती है, लेकिन
ये हीट भी होते हैं। सो या गाइस, आपको लगातार आप गन चला नहीं सकते, नहीं तो ये हीट हो जाता है। अब गाइस एक काम करते हैं, टाइम को भी स्लो कर देते हैं, पहले तो इसको मारने दो थोड़ा बहुत। हाँ मारिए मारिए, देख फिर मैं गाइस इससे ना हम गन से नहीं लड़ेंगे, इन सर जिसे हम ऐसे ही करेंगे, बॉक्सिंग करते हैं थोड़ा बहुत इनके साथ। सर हाँ, आप बॉक्सिंग प्रैक्टिस क्यों कर रहे थे हमारे साथ, अब हम भी करेंगे। सो या गाइस, और गाइस आप देख सकते हैं जब मैं टाइम को स्लो करता हूँ ना, पता नहीं क्या ब्लैक ब्लैक इफेक्ट्स आने लग जाते हैं हमारे प्लेयर के अंदर से। और वो देखिए गाइस, उसने इस बंदे को हरा भी दिया और जो है यहाँ पे कितना मस्त जो है ये इस गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड गाइस अभी बस हमारे पीछे कुछ और लोग आ चुके हैं बेपार चुके, और जो है अब हमें ना बाइक मंगवानी है अपनी दूसरी वाली, और जो है दोबारा से जो है हमें बस एस्केप करना। ये देखो लिम्बोजीन में ये जो चोर जा रहा है इसको तो छोड़ना है। या गाइस लिम्बोजीन वाले बंदे ना मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो लोग ना मोस्टली चोरी करके जा रहे होते हैं, खासकर ब्लैक लिम्बोजीन वाले। सो या अगर आप लोग भी गैंगस्टर वेगस खेलते हैं ना, आपको जैसे ब्लैक लिम्बोजीन वाले दिखे और उनके पास अगर एक बक्स मतलब सूटकेस का जो है वो है ना साइन, तो समझ जाइए वो चोर है। उससे आपको जो है बस या फिर तो पुलिस को पकड़वा दीजिए या फिर उसको किल कर दीजिए, क्योंकि वो चोर है। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या मस्त जो है स्लो मोशन में गाइस ये गाड़ियाँ डिस्ट्रॉय कर रहा है, और गाइस एक साथ दोनों गाड़ियाँ एक साथ डिस्ट्रॉय हुई गाइस, कितना ज़्यादा कूल चीज़ थी। और यहाँ पर अब और वो आ रहे हैं, बस अब हमने जो है फाइट नहीं करनी है गाइस, इन लोगों को चलाने देते हैं कुछ जो चलाना है इनको, बस अपनी गने हटा देनी है। ओके चलाइए सर, आप जितना चला सकते हैं हमको मतलब नहीं। नहीं नहीं गाइस, हमारा प्लेयर ना पता नहीं क्या है, अगर इस पर कोई भी जो है वो करता है ना मतलब अटैक, तो ये जो खुद जो है अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है। और गाइस आप देख सकते हैं उन लोगों की गोलियों का ज़्यादा कुछ असर हो भी नहीं रहा है गाइस, मतलब आप देख सकते हैं आर्मर कितना ज़्यादा धीरे लॉस्ट हो रहा है गाइस, और आर्मर तो इतनी धीरे लॉस्ट हो रहा है गाइस। और ये लोग देखो, तीन तीन लोग, चार लोग गाइस, बल्कि पाँच लोग हैं ये पूरे, ज़्यादा नुकसान कर रहा है आर्मरी का। तब से मेरा हाफ आर्मर तो ले जा ही चुके हैं, तो एक काम करते हैं मतलब हाफ आर्मर हाफ विजन एक्सोस्केलेटन का नहीं गाइस, असल में जो वो है वन डायमंड या थ्री डायमंड में जो वो आता है आर्मर उसका। और गाइस आप देख सकते हैं हमने इस बाइक को दोबारा मैंने मंगवा दिया है, और गाइस ये बाइक कितनी मस्त लग रही है गाइस। अब एक काम करते हैं इस बाइक में थोड़ा और घूमते घूमते हैं, ये लोग गाइस बेफालतू गोलियां चलाते रहते हैं, मतलब सिटी में अगर आप ज़्यादातर घूमोगे ना, आधे से ज़्यादा बंदों के पास आपको गन मिलेगी, मतलब क्या ही कहेंगा ऐसे सिटी के लोगों का 24 घंटे जो है, मतलब वो लोग जो है कितनी भी फाइट कर लें पुलिस उनके पीछे कभी नहीं पड़ते, और हम लोग नहीं, हम लोग अगर किसी चोर को भी पकड़ेंगे तब भी पुलिस नहीं पीछे पड़ता है। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपी लेवल की ये बाइक है लिटरली गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस बाइक को पक्का खरीदिए। एंड जैसे आप देख सकते हैं क्या मस्त वाली जंप इसने मारी और सीधा पानी में जो है चल गई है। एंड साथ में गाइस जो है हाँ थोड़ी बहुत हैंडलिंग में ना गाइस आपको दिक्कत आएगी इस बाइक की, क्योंकि हैंडलिंग इतनी भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी फुल ड्रिफ्ट मार लेती है गाइस वन सर्कल वाली। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक काम करते हैं दोबारा लैंड पे चलते हैं गाइस, और यहाँ पे दोबारा जंप मारी, और गाइस देख सकते हैं आप हवा में ये पूरी मतलब ड्रिफ्ट कर लेती है अपनी पोजिशन चेंज करके। एंड गाइस ये केयर से चले इस वाले को, मतलब हर किसी को जो है यहाँ पर पता नहीं क्यों जो है ये लोग भागने पे लगे हुए हैं, जबकि अब हमारे ऊपर पुलिस भी नहीं है। और गाइस ये केयर से आजकल ना गाइस इस गेम के जो एनपीसीज हैं ना वो बहुत चालाक हो गए हैं, मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ी से गाड़ियाँ चला रहे हैं ना, मतलब इतने हैवी ड्राइवर बन रहे हैं आजकल वो, कि गाइस आप सोच भी नहीं सकते। एंड गाइस यहाँ पे जो ट्रू पेट्रोल्स बाइक है वो भी मेरे पास ऑलरेडी है, जिसका यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, मैंने आज ही उसको विन करा है। एंड यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं क्या मस्त जो है हमने यहाँ पर रिपेयर मार्केट मार दिया। गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ कि ना एक काम करते हैं, एक बार ना गाइस जो वो है ना मिलिट्री बेस वहाँ पे चलता है, और मिलिट्री बेस में टेस्ट करते कि क्या मिलिट्री बेस में जो चौपर आएंगे ना गाइस उनकी मिसाइलों का कितना असर होता है गाइस आखिरकार हमारे इस एक्सोस्केलेटन पे। तो लोकेशन मैंने मार्क कर ही दी है, अब जल्दी से गाइस वहाँ पे चलते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या ओपी लेवल की ना जो है यहाँ पे ये बाइक चल रही है। एंड यहाँ पे जो है सिटी में गाइस जो है रात हो चुकी है, और रात के वक्त मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री बेस में जाना सही रहेगा, क्योंकि गाइस रात के वक्त में मिलिट्री बेस वालों का जो चॉपर है ना वो ब्लैक कलर का होता है जैसे कि आप लोग जानते हैं, और वो जो है रात को दिखता नहीं है से। सो या वो एक दिक्कत हो सकती है, ऊपर से जो है गाइस मैंने सिंप्लीफाइड एमिंग भी जो है ऑन नहीं कर रखी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। सो या गाइस ये एक प्रॉब्लम होगी जैसे हम मिलिट्री बेस में जाएंगे,
एंड लिटरली गाइस, अगर आप इस बाइक को लेके किसी दूसरे बाइक वाले के ऊपर से जाओगे ना, किसी हेक्सार वाले के ऊपर से, आप सीधा उसके सिर के ऊपर से निकल जाओगे गाइस। अगर मैं यहाँ पे बहुत ही मस्त लेवल की जंप मारने वाला हूँ और इसी के साथ जाए गाइस, 3, 2, 1 एंड लेट्स गो गाइस। यहाँ पर सीधा डायरेक्ट मिलिट्री बेस के अंदर बिना दरवाजे के सीधा हॉल को जो है क्रॉस करके गए गाइस हम लोग। एंड एक काम करते हैं, बस अपनी बाइक को यहीं पर खड़ा करते हैं और अब हमारी बाइक हमें, मुझे मालूम है गाइस, पक्का डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्योंकि चॉपर ने उस पर मिसाइल मार दी। देखा गाइस आपने, इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है, हमारी व्हीकल से बार बार जो हमला कर देते हैं। और यहाँ पर हम मिलिट्री बेस में आ चुके हैं और ये क्या गाइस, आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जब मिलिट्री बेस में हम जब आते हैं ना गाइस, लिटरली यहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है गाइस। मतलब गाइस मैंने यहाँ पे टाइम को तो जानबूझ के स्लो करा है ताकि जो हमारा प्लेयर मजे से जो फाइट कर सके। सो टाइम स्लो करने से एक फ़ायदा है गाइस, हमारा जो प्लेयर है ना ये बार बार जो गिरता नहीं है साइड लगने पे, नहीं तो बार बार जो गिरता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता होगा गाइस। वो इस चॉपर को तो बस अब मेरे को उड़ाना है गाइस, नहीं तो ये चॉपर हमें ही नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पे देखिए गाइस, इसकी मिसाइल इतनी स्लो मोशन में आ रही थी जब हमने टाइम को जो है स्लो कर रखा था। अब ये ऊपर कहाँ जा रहा है गाइस, चॉपर ये करना क्या जा रहा है गाइस, मैं समझ नहीं आ रहा है। ओके गाइस ये देखिए, दोबारा इन लोगों ने मिसाइल चला दी, बस एक और बार टाइम स्लो की एबिलिटी फुल हो जाए। ओके दोबारा फिर गाइस टाइम स्लो कर देते हैं, अब ये चॉपर नहीं बचेगा गाइस बिल्कुल भी। एंड ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड क्यों नहीं हो रहा है गाइस, ये चॉपर पे तो अच्छा गाइस, चॉपर पे नहीं, हमने जो है यहाँ पे जैकरो टैंक पे मिसाइल जो है तब से बुलेट चलाया था, अब जो है गाइस चॉपर गया। ओके सो यहाँ पे चॉपर ऑलमोस्ट गॉन है, बस कुछ और बुलेट्स और गाइस चॉपर गॉन। ओके सो इसी के साथ यहाँ पे कितनी ज़्यादा मिसाइल चला रहा है, और गाइस इसी के साथ जो है चॉपर ना हमने डिस्ट्रॉय कर ही दिया है। और अब आप देख सकते हैं मैप में भी उसकी लोकेशन नहीं दिखा रहे हैं। एंड गाइस वैसे ना मुझे लगता है इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी गाइस, अगर ना आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप और किन किन चीज़ों पे रिव्यूज़ चाहते हैं। और साथ में जो गाइस हमने लाइफ ऑफ वेगस सीरीज़ बनाई थी ना, वो भी आपको किस तरीके से चाहिए और उस पर किस किस टॉपिक पर गाइस मैं वीडियो डालूँ कि आपको जो जिन पर चाहिए। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बंदे कितनी ज़्यादा बुलेट चला रहे हैं। सो यहाँ पर ग्रेनेड को यूज़ करा, और गाइस ये बग आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ग्रेनेड वाला बटन दबाया है ना, इसकी एक गन जो है हवा में ही अटक गई और ये जो हमारी आर्मरी ऑर्मर्स गई थी, ये देख सकते हैं गाइस आप यहाँ पर जो है ये पूरा यहीं पर अटक गया। तो या गाइस मुझे लगता है इस वीडियो में काफ़ी गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड गाइस तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, एंड गाइस सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।